अब बात करेंगे सत्ता के महासंग्राम की। चुनावी समय में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने शताब्दी नगर इलाके में जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने इस दौरान मंच से विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहते हैं कि मोदी को आने नहीं देंगे, लेकिन जनता कह रही है कि मोदी को जाने नहीं देंगे। वो अपने भाषण में हिंदुत्व को भी उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ कुंभ में बड़ी परेशानी आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सेना के शौर्य पर गर्व करते हैं, लेकिन विपक्षी इस पर शक करते बैन करते हैं। अब जनता को अपना निर्णय लेना होगा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना निशाना साधा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी छोड़ केरल जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहां फूल खिलने वाला है। सारे विरोधी मिलकर के एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। वो कहते हैं हम मोदी जी को आने नहीं देंगे, और देश की जनता कहती है हम मोदी जी को जाने नहीं देंगे। 2014 में भी आपने हमें आशीर्वाद दिया, 2017 में भी आपने हमें आशीर्वाद दिया, कमल खिलाने का काम किया, तो यह परिवर्तन आपको देखने को मिला। प्रयागराज का कुंभ हो या कोई भी हमारी यात्रा हो, उस यात्रा में अड़चन डालने का काम, उसमें बाधा डालने का काम श्री अखिलेश यादव जी की सरकार हो, और चाहे उनके बुआ जी की सरकार हो, चाहे उनके पिताजी की सरकार रही हो, कभी भी सम्मान के साथ हमारे लोगों को कार्यक्रम अपनी यात्रा भी नहीं कर धार्मिक यात्रा भी नहीं करने दिया जाता।